चल, भूमि, अग्नि, वायु। बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अवतार ढूंढ निकाला, एंग नाम का एक एयरबेंडर। हालांकि उसकी वायु सिद्धियां अद्भुत थी, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है। इससे पहले अवतार में आपने देखा उत्तरी जल कबीला। आखिर हम पहुंच ही गए। यही वजह है कि वो सैकड़ों सालों से बर्फीले इलाके में रहते आ रहे हैं। हमें बहुत बड़ी सेना लेकर जाना होगा। आत्माएं, शायद वो मुझे मिले और मेरी मदद करे। वाटर बेंडर्स को चंद्रमा से ताकत मिलती है। मुझे इसके बारे में पता है और मैं इसका तोड़ भी निकाल रहा हूँ। जाओ को अंदाजा तक नहीं है, जब तक हम उत्तरी ध्रुव नहीं पहुंच जाते तुम इसी तरह छिपे रहो। अवतार तुम्हारा होगा। वो आत्माओं के संसार में है, उसके शरीर को नहीं हिलाने तक सब ठीक है। चला गया। तुमने पूरी कोशिश की कटारा, और अब हमें पूरी ताकत लगाकर एंग को वापस लाना होगा। ज़ूको दूर नहीं गया होगा, चलो उसे ढूंढें। एंग को कुछ नहीं होगा। ठीक है। कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको मोमो, शायद एंग वापस आ जाए। ये पीएम। दरअसल मुझे समुद्र और चांद की आत्मा को खोजना है। यहाँ से चले जाओ। तुम अभी तक यही हो? जी हाँ, मैं यही हूँ। शायद यह तुम्हारी मदद कर सके। जाओ इसका पीछा करो। पीछा छूटा। कैसे हुए हैं? रोको। वहां रुकना होगा। हमला हो गया है, मुझे समुद्र और चंद्रमा की आत्मा से मिलना है। समुद्र और चंद्रमा प्राचीन आत्माएं हैं। ये आत्माओं के संसार से निकलकर अमर संसार की शुरुआत में जा पहुंची हैं। अब सिर्फ एक प्राचीन आत्मा है जिसे उसका अता पता याद होगा। कौन? उसका नाम है कोह, मगर वो बहुत ही खतरनाक है। लोग उसे चेहरा चुराने वाली आत्मा कहते हैं। जब उससे बातें करो तो तुम जरा सावधान रहना, जरा सा भी पाओ चेहरे पर मत आने देना एंग, वरना वो तुम्हारा चेहरा चुरा लेगी। लेकिन बर्फीली आंधी की वजह से मैं तुम्हें घर नहीं लेके जा सका। कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तुम नहीं समझोगे।
तुम मेरी बहन की तरह हो। उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। वो फायर बेंडिंग में बहुत ही माहिर है। उसे सब लोग प्यार करते हैं। मेरे पिता कहते हैं कि वो पैदाइशी किस्मत वाली है और मैं किस्मत से पैदा हुआ हूँ। मुझे किस्मत की कोई जरूरत नहीं। मुझे हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, मगर मैंने उसे हासिल किया। इसी से मैं मजबूत बना हूँ। यही है मेरी बुनियाद। दिलाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त कम है। अगर जल कबीले को चांद निकलने से पहले तुमने नहीं हराया तो उनको हराना नामुमकिन हो जाएगा। मेरी बात मानिए, मैंने इसका भी सारा इंतजाम कर लिया है। मैं चांद को ही अपनी जगह से हटाने वाला हूँ। चांद को हटाने वाले हो, मगर कैसे? एडमिरल चो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं कह रहा था, बहुत पहले मुझे एक महान रहस्य के बारे में अचानक पता चल गया था। मैंने चांद की आत्मा के आधार के बारे में जान लिया था। क्या? तब मैं भूमि देश के जनरल शू की सेना में एक युवा अफसर था। वहां मुझे तहखाने में बनाए गुप्त पुस्तकालय दिखा। मैंने वहां की सारी सामग्री को पढ़ डाला। ऐसे ही एक चित्र में चांद और समुद्र शब्दों का पूरा ब्यौरा दिया गया था। तब मुझे ये पता था कि इनकी आत्माओं को खोजा जा सकता है और मारा भी जा सकता है। दरअसल ये काम मेरे ही हाथों होने वाला था। जाओ, ये आत्माएं इतनी आसानी से काबू में नहीं आती। हाँ हाँ, पता है आपको उनसे डर लगता है, ये भी पता है। मैंने आपके आत्माओं के संसार में जाने की अफवाहें सुनी हैं, मगर समुद्र और चंद्रमा ने अपनी अमरता को छोड़कर हमारी दुनिया में आने का रास्ता चुना है और अब इनको उसके नतीजे भी भुगतने होंगे। मुड़ी हुई पूछ वाले बंदर हो। बिल्कुल डरो मत, किसी तरह का भाव चेहरे पर मत लाना। सुनिए, मुझे को नामक आत्मा की तलाश है। मेरे पुराने दोस्त अवतार, कितने दिनों बाद मिले हैं हम। आप मुझे जानते हैं? मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ। पुराने किसी जन्म में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये करीब 8-9 साल पहले की बात है। मुझे तो ये बात याद नहीं है। अच्छा, तो उसने या मैंने ऐसा क्यों किया? दरअसल मुझे अपने मनपसंद चेहरे चुरा लेने की आदत है। चलो, ये तो बस पुरानी बातें हैं। उस बात को लेकर मैं कोई बदला नहीं निकाल सकता, ठीक कह रहा हूँ ना? अब तो तुम एक अलग इंसान बन गए हो। तुम्हारे पास अब तो एक नया चेहरा भी है। लगता है यहाँ कुछ देर रुकना पड़ेगा। घबराओ मत, प्रिंस ज़ूको ऐसे मौसम में दूर तक नहीं गया होगा। मैं इसलिए नहीं घबरा रही हूँ कि वो तूफान में फंस गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि वो आखिर है कहाँ। देखो, बर्फीली आंधी में उनकी मौत तो नहीं हुई होगी। ज़ूको आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो जिंदा है और हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बहुत दिनों से मेरे पास किसी बच्चे का कोई चेहरा नहीं आया है। बताओ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे समुद्र और चंद्रमा की आत्माओं से मिलना है। उनकी आत्माओं के नाम है ट्वी और ला, यानी धक्का दो और खींचो। और कुछ इसी तरह का रहा है उनका रिश्ता। आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, वरना एक पूरी की पूरी संस्कृति तबाह हो जाएगी। अच्छा, तो तुम उन आत्माओं से मदद लेने आया हो, पर हो सकता है यहाँ तुमको मदद करनी पड़ जाए। कोई उनकी हत्या करने वाला है।
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें ढूंढकर किसी तरह उन्हें बचा सकता हूँ। तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो। दरअसल ट्री और ला यानी तुम्हारे चंद्रमा और समुद्र हमेशा एक बार लौकिक नृत्य करते हुए एक गोली में चक्कर लगाते रहते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं। खींचना और धक्का देना, जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई, अच्छी और बुरी ऊर्जा। कोई फिश, मुझे अब निकलना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। वो आत्माएं मुसीबत में है, मुझे जल्दी अपनी दुनिया में लौटना है। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। हे बाय। नक्शे के सहारे हम एक खास जगह पर जाएंगे और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम शिकार करेंगे। मैं यहीं से आया था, पर अब मैं वापस कैसे जाऊं? पीछा छुटा। मोमो, मोमो, ये क्या? मेरा शरीर कहाँ है? देखो, लगता है वो आएंगी है। ये प्यार। कैसा लग रहा है तुम्हें? वापस आकर अच्छा लगा। बहुत भाग लिए मुझसे, पर अब नहीं। तो फिर मुकाबला हो जाए। यकीन करो ज़ुको, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। एंग, आसानी से छूट गए। हमें ओएसिस तक जाना होगा, आत्माएं मुसीबत में हैं। रुको, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ो और चलो। नहीं, अगर छोड़ दिया तो यही मर जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम उस आदमी को साथ ले जा रहे हैं जो हमारा दुश्मन है। चंद्रमा की आत्मा मुसीबत में है। मैं तो आज चांद की वजह से ही जिंदा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। जब मैं पैदा हुई तो बहुत ही बीमार और कमजोर थी। पैदा होते ही बच्चे रोते हैं, पर मैं तो पैदा होते ही गहरी नींद में सो रही थी। हमारे वैद्य दिन रात लगे रहे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे पिताजी ने आत्माओं से प्रार्थना की कि मेरी जान बच जाए। उस रात पूरे चांद के नीचे वो मुझे ओएसिस में ले आए और उस हौज में रख दिया। मेरे काले बाल सफेद हो गए। मैं अपनी आंखें खोलकर रोने लगी। सब समझ गए कि मैं बच जाऊंगी, इसीलिए मेरा नाम रखा गया यूए, जिसका मतलब है चांद। आज मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगा। अग्निदेश के लोग मेरी कहानियां सुनाया करेंगे कि किस तरह महान जनरल साओ ने चांद को छिपा दिया था।
वो मुझे विजेता साओ कह के पुकारेंगे। साओ जिसने चांद को भी हरा दिया था, अग्नि देश का सबसे वीर पुरुष। हटो, हट जाओ जल्दी। घबराओ मत। साओ, रुक जाओ। मेरी किस्मत में चंद्रमा को तबाह करना लिखा है, जिससे जल कबीले का नामो निशान मिट जाए। चंद्रमा को खत्म करने से सिर्फ जल कबीला तबाह नहीं होगा, इससे सब तबाह हो जाएंगे, तुम भी। चंद्रमा के बिना दुनिया का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है किस तरह की भगदड़ मच जाएगी और क्या हाल हो जाएगा। ये सही कह रहा है साओ। जनरल आयरो, आज मुझे पता चला है कि आप भी धोखेबाज हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अग्नि देश को भी चंद्रमा की जरूरत है। हम सब उसी संतुलन के सहारे टिके हुए हैं। अगर तुमने चंद्रमा की आत्मा को कुछ किया तो मैं उससे 10 गुना हमला तुम पर करूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। उम्मीद नहीं है, सब खत्म हो चुका है। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने मुझे मारना चाहा था ना? हाँ, मैंने चाहा था। तुम ही नीले राक्षस हो, अग्नि देश के दुश्मन। तुमने अवतार को छुड़वा दिया था। और कोई रास्ता नहीं था। तुमको अपनी हार मान लेनी चाहिए। तुम तबाह हो चुके हो, मान लेते तो जिंदा बच जाते। बहुत देर हो गई, वो मर चुका है। तुमको तो चंद्रमा की आत्मा ने छुआ था, उसके जीवन का कुछ अंश तुम में भी है। हाँ, आपने सही कहा, उन्होंने ही मेरी जिंदगी बचाई थी। अब उस एहसान को लौटाने का समय है। नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज है सौका। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। आपके पिताजी ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी है। मुझे ये करना ही होगा। नहीं, वो चली गई।
गुड बाय सोका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने दक्षिणी ध्रुव पर जाने का फैसला किया है। कुछ अन्य योद्धा और बेंडर भी मेरे साथ जाना चाहते हैं। अब दक्षिण के साथियों की मदद का वक्त आ गया है। और रैंक का क्या? वो अभी भी वाटर बेंडिंग सीखना चाहता है। अच्छा, तब तो उसे चाहिए कि वो तुम्हें अपना गुरु बना ले। जब ये पैदा हुई थी तो आत्माओं ने मुझे एक अंतर्दृष्टि दी थी। मुझे दिखाई दिया था कि एक साहसी युवती चंद्रमा की आत्मा बन गई है। जानता था ये दिन आएगा। आपको गर्व होना चाहिए। बहुत गर्व है मुझे, पर अफसोस भी। मुझे हैरानी हो रही है राजकुमार ज़ुको, हैरानी इस बात की कि तुम अवतार को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। मैं थक चुका हूं। तब तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इंसान को आराम करना पड़ता है। अच्छे हो मोमो, आओ मेरे पास। आयरो विश्वासघाती है और तुम्हारा भाई ज़ुको हार चुका है। अब तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा।